हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और अभी हम लोगों ने सोचा कि गांव में है तो हम लोग घूम ले। बकरिया दिख गई, उसको देखो, बकरिया बुलाने गई है। देखो, बुलाओ बकरी को, जल्दी जाओ भाग के। गाइज, अभी निया को नीला दिला के मैंने रेडी कर दिया है, और आज है किसको बोलते हैं, सकट चौथ। हमारे यहाँ पे सकट चौथ बोलते हैं, जो बच्चों के लिए पूजा होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सोनम है और मुजंता है। अरे निया आ गया भाई। अरे चप्पल से क्यों आया बेटा? आज के दिन का कुछ थोड़ा सा स्पेशल बता दे, क्यों किया जाता है, किस लिए होता है आज का दिन? आज संकटा चौथ है, तो आज का दिन है ना बच्चों के लिए व्रत रखते। आज चौथ माता, चार चौथ होती है साल में, हम तो दो ही रखते बच्चों के स्वास्थ्य लंबी उम्र इसके लिए रखते बच्चों के लिए। एक हम तो भैया एक पति के लिए करते है, बच्चों के लिए करते, हमारे लिए कोई नहीं करता। मम्मी की बात पे दम तो है, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने करा होगा। सही बात है। अभी हम अभी हम जा रहे हैं घूमने, बट मेरा व्रत है। फिर भी देख, मैं हिम्मत कर रही हूँ घूमने जाने की। बिल्ली पुच्ची देना, मम्मा को दे दे चलो। और मेरे को कैसे मारता है तू? पापा को मार, मेरे को मारता कैसे है तू? तो गाइस, वीडियो आगे शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ बाहर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो बच्चों की सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसलिए मैं सोचती हूं कि आपको एक ऐसी कार सीट पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो बच्चों के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई हो, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल फील करें और सेफ फील करें। सो इसीलिए मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ लव लैब गैलेक्सी कन्वर्टेबल कार सीट। तो आप इसे अपने बच्चों के लिए 0 मंथ से 7 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड बेस्ट यूनिक चीज मुझे इस कार सीट की ये लगी कि एक कन्वर्टेबल कार सीट है, मतलब आप इसे अपने बच्चों के लिए 2 डिफरेंट पोजीशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका बच्चा 0 to 2 ईयर्स के बीच में है तो आप इसे अपने बच्चे के लिए रियरवर्ड पोजीशन में यूज कर सकते हैं, जिसमें बैठने के बाद बच्चा कार में पीछे की तरफ फेस करके बैठता है। एंड इस पोजीशन में ये कार सीट अप टू 10 kg तक का वेट अकोमोडेट कर सकती है। एंड नंबर 2, इस कार सीट को आप अपने टॉडलर्स के लिए यानी 2+ बच्चों के लिए भी फ्रंट फॉरवर्ड फेसिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें बच्चा सामने की तरफ देखता है और इसमें अप टू 18 kg तक का वेट अकोमोडेट कर सकती है। एंड इस कार सीट को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। एंड इस कार सीट के हेडरेस्ट को भी अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप 3 पोजीशन तक एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इस कार सीट का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि ये यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, मतलब ये आपके बच्चों के लिए कम्प्लीटली सेफ है। इसमें आपको 5-point सेफ्टी हार्नेस भी मिल जाता है, जिसमें बच्चों की शोल्डर, वेस्ट एंड लेग कम्प्लीटली सिक्योर रहता है। इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, बस आपको हार्नेस को खींचना है और ये एडजस्ट हो जाता है। इसकी सीट की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा वाइड सीट आपको मिलता है, इसमें अल्ट्रा सॉफ्ट एंड थिक कुशन और डीप पैडिंग आपको मिल जाती है इसके हार्नेस में, हेडरेस्ट में एंड सीट में, जिससे बच्चों को एडिशनल कंफर्ट मिलता है और ये साइड इंपैक्ट से भी बच्चों को बचाता है। आप इस कार सीट को सेडान या फिर हैचबैक कार में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कार सीट को रियरवर्ड फेसिंग में इंस्टॉल करने के लिए पहले कार सीट को बैकवर्ड फेसिंग में रिक्लाइन कर लेंगे, फिर आपको बेस के नीचे से दिए गए दोनों तरफ हुक में कार सीट के बेल्ट को इंस्टॉल करना है, एक तरफ ऊपर से एक तरफ नीचे से। लेफ्ट बेल्ट को नीचे से ही लेना है। एंड लास्ट में आपको डायगोनल बेल्ट को रेस्ट गाइडर में इंस्टॉल करना है। एंड दैट्स इट। इस कार सीट को फॉरवर्ड फेसिंग में इंस्टॉल करने के लिए पहले आप सीट बेल्ट के ऊपर के पार्ट को हेड रेस्ट गाइडर में इंस्टॉल कर दें, नीचे के पार्ट को वेस्ट में दिए गए ग्रूव डिजाइन नीचे की तरफ से लगा दीजिए। इसके सीट में दोनों तरफ आपको स्लॉट मिलता है, जिसमें आपको सीट बेल्ट को एक तरफ से डालना है और दूसरी तरफ से निकालना है, फिर आपको दूसरी तरफ दिए गए ग्रूव डिजाइन से ले जाते हुए सीट बेल्ट होल्डर में लगा देना है। एंड दैट्स इट। इस सीट को आप 3 पोजीशन तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं। रिक्लाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए लेवर को बस ऊपर की तरफ पुश करना है एंड ये कार सीट आसानी से रिक्लाइन हो जाता है। ये कार सीट आपको हमेशा बैक सीट में ही इंस्टॉल करना है, फ्रंट सीट पे नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस कार सीट में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये आपके बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो गाइस, लव लैब के गैलेक्सी कन्वर्टेबल कार सीट का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके चेक करो। तो गाइज, अभी हम आ गए आबानेरी, और हमने देखो जयपुर के अंदर भी देखो, ये बहुत पुराना मंदिर है, मतलब ये पुराने टाइम में कभी तोड़ा गया था। इसके शिलालेख पड़े हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के पत्थर, वहाँ पे आपको जयपुर के म्यूजियम में भी मिल जाएंगे, है ना सोनम? हम पहले यहाँ पे ना स्लोमो वीडियो बनाते थे, अब भी बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो ये मंदिर भाई बहुत पुराना है और बहुत ही विंटेज है, और इसमें सच में यार जाने मतलब फील अलग आता है यहाँ पे, मतलब हम जो यहाँ पे भी आते हैं ना, वहाँ दोबारा इसलिए आते हैं कि हमें अच्छा फील हो।
तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे टाइम हो गया है, देखो फॉरनर्स भी आ रखे, देखो यहाँ पे बाहर से। अभी हम आ चुके हैं भाई आबेनेरी और यहाँ से हमने टिकट ले लिया। हमें 8-9 बंदे, मतलब एक से ज्यादा। कितने का टिकट है बता दो जरा। 25 रुपया को टिकट है भैया, यहाँ पे आर ले लीजो, ठीक है। गाइस सोनम ने ना मुझे ड्यूटी पे लगा दिया निया को गोदी पकड़ने का। यार क्या यार, व्रत में कुछ चक्कर आ रहा है। वैसे है ना आज संकट चौथ का व्रत है। जैसे संकट चौथ बोलते हैं हमारे में, सबके में अलग अलग बोलते होंगे। संकट चौथ, हाँ संकट चौथ बोलते हैं हमारे में, जो व्रत माँ करती है बच्चों के लिए, ठीक है, उनकी लंबी उम्र के लिए। Yes. हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले आ चुके हैं और हमें आके यहाँ पे इतना अच्छी वाइब्स आई थी कि हम दोबारा से आ गए हैं। वहाँ आगे चल रहे हैं ना, वो सब हमारे ही साथ है, सारे बच्चे बच्चे, और ये हम पीछे चल रहे हैं। हम थोड़ा फैमिली वाले आदमी है ना, इसलिए अच्छी आ रही तेरी फोटो। फीलिंग का तो पता नहीं, तेरी फोटो अच्छी आ रही है। यहाँ पे है ना ये जो बावड़ी है ना, मतलब बहुत पुरानी, बहुत विंटेज है। ये देखो भाई, यहाँ पे आके अच्छी फीलिंग आती है ना, जैसे अपन को वहाँ पे जैसे कल जाके आई थी, जैसे हम पहले आए थे वैसी वाली फीलिंग आ रही है। उस टाइम हमारे पास निया नहीं थे, हम लोग बैचलर थे गाइस। ये देखो गाइस बावड़ी बहुत प्यारी है। सुनो मैं तेरी रील्स बनाता हूँ यार, तू कभी भी रील्स नहीं बनाता यार। ओके, आज तो बना ले, तूने रंगा लुगड़ी पहना, अच्छा भी लग रहा है तू। गाइज ये देखो एक बार, आप यहाँ पे पूरा व्यू देखो एक बार, पूरे व्यू को एंजॉय करो। तो ये देखो गाइज, आप पूरे व्यू को एंजॉय करो, आपको बहुत मजा आने वाला है। गाइज ये यहाँ पे जरूर आना, ये जो लोकेशन है ना, देखो बावड़ी के अंदर अभी भी पानी है, स्टिल अभी भी पानी है। ये बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है, ये देखो पिछले जमाने में क्या करती थी यहाँ पे, बर्तन धोती थी। वैसे और रानी यहाँ पे आबा नेरी बनाने आते थे। अच्छा, एक दिन राजा ने पकड़ लिया। अच्छा, मेरी आबा नेरी काट दी। अच्छा, रानी काय रानी, ओह माय गॉड। गाइस जो यहाँ पे आप ये शिलालेख देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने टाइम के मंदिर से टूटे हुए, मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता, 1000 साल पहले जब आक्रमण हुआ था ना, इस मंदिर को तोड़ा था, तो उसके ये शिलालेख है मंदिर के, और ये अभी तक रखे हुए हैं यहाँ पे। सबके ऊपर नंबर वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। स्ट्रगल तो है ही भाई, व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। देखो तुम लोगों के पास कितनी चिल लाइफ है, तुम्हारे पास ना कोई बच्चा है ना कुछ है, फिर भी देखो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। गाइस ये जो मंदिर है ना यार, ये मतलब ये जो बावड़ी है ना, ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारी लग रही है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है कुछ नहीं बोल रहा, आ जा बता। ये पिछले जन्म में आता था यहाँ पे, देख मुझे टच करके कुछ फील हो रहा है। कुछ फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है तेरे को? तेरा बच्चा है बिहारी बाबा, बिहारी में भी है। क्या कह रही, हम कहाँ आ गया? हम तो आ गया। नहीं तू कहाँ आ गया, तू जहाँ पहले नहीं था वहाँ पे आ गया। सेक लो भाई आंखें, सेक लो है? है? नहीं जा रही बिल्कुल। ये जो सारे लड़के हैं ना, देखो ये सुनो अभी टैने बताओ क्या बोल रहे हो। अंग्रेजी से बात करनी मेरे को एक बार, अंग्रेजी से वो बोलेगी, पता है तेरे को क्या बोलेगी? वो बोलेगी फक ऑफ। सारे सोनम, ये जो सारे लड़के खड़े ना यहाँ पे कवारे, पता है क्या देख रहे हैं? देख वो जो सामने जो ब्यूटी दिख रही है ना, वो देख रहे हैं। सो गाइज एक बार आप व्यू देखो भाई, यहाँ पे कितना जबरदस्त है। और यहाँ पे एक ना एक मंदिर भी है वहाँ पे, बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे भाई व्यू एक नंबर का है, और अभी जो मौसम है ना वो भी एक नंबर का है। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, और मंदिर में टीका भी लगवाएंगे। वैसे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन हमारे पास देने को पैसे नहीं है। रुक जा, किसी और को बुलाओ जिसके पास पैसे होंगे। देखो चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है, ये भी जरूरी है। आ जा और क्या। गाइस देखो यहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर है हनुमान जी का। निया टीका लगवाओ, हाथ जोड़ो बेटा, तिलक लगाओ, ठीक है, तिलक लगाओ, टीका लगवाओ। ये दे दो भैया को, दे दो वहां रख दो बेटा, नीचे रख दो, यहाँ रख दो। वेरी गुड, जय जय करो भगवान जी को। हाँ है ना, इस बावड़ी के अंदर जो ये मूर्तियां रखी है ना, पूरे यहाँ से लेकर और पूरा एंड तक ऐसे करके सारी की सारी बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां रखी हैं। ये मतलब आपको मान के चलो कि ये
1000 साल से ज्यादा पुरानी मूर्ति है जो यहाँ पे रखी हुई है, गजनी के काल की मूर्ति है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो ये सारी मूर्तियों के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है भाई। हापसी है, बौद्ध हापसी है, जैसे हापसियों की ब्रीड रह जाती ना, अलगी ब्रीड वो है। निया 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 क्या देख रहा है बेटा? पिजन, पिजन देख रहे हो? निया यहाँ से है ना बावड़ी में देख रही है क्या पाए। देखो वो उसको है ना वहाँ पे, देखो सामने ना छोटे छोटे पिजन दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है पिजन? सोनम ये बावड़ी बड़ी प्यारी है ना यार। अरे सुंदर है, भूतिया बावड़ी है। भूतिया बावड़ी वगैरह कुछ नहीं, मंदिर है, बकवास कर रही है, तेरे जैसे लोग तो होते फट्टू। मेरा है ना एक बार गाइस है ना नीचे उतर के जाने का बड़ा मन है, लेकिन है ना मैं जा नहीं पा रहा। मतलब देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है ऐसे 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 ऐसे। ये पुराने टाइम में है ना पानी को संरक्षित किया जाता था, और जब जब बारिश नहीं होती थी उस टाइम पे पानी की कमी की आपूर्ति, जो पानी की आपूर्ति होती थी उसको पूरा करने के लिए बावड़ी बनाई जाती थी। भूत नहीं है बेटा, तो इसमें अभी तो बहुत ही कम पानी है, लेकिन ये पानी का लेवल जब पुराने टाइम की बात होता है, जब ये बनी होगी तो ये बहुत लेवल यहाँ तक आ जाता होगा ऊपर तक, फिर धीरे धीरे ख़त्म होते 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 नीचे तक, मतलब इतना पानी होता था कि आप आराम से उस पानी को यूज़ कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल तक। कब बनेगी रानी तू? कौन सा जन्म आएगा तेरा? कौन सा जन्म चल रहा है तेरा? अगले जन्म में तू मेरे दास बनेगा। अच्छा दास तो तूने इसी जन्म में बना रखा है मुझे। बेवकूफ मत बनाया कर सबके सामने, सच बता। यहाँ पे आके ना सच में दिल को सुकून मिल जाता, बहुत अच्छा आता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करना, बहुत मजा आएगा आपको जब भी आप आओगे ना। ये पीछे जो बावड़ी है ना ये बहुत ही जबरदस्त है, मतलब घूमने में एक अलग ही फील आता है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती है। अभी एक मंदिर भी दिखाएंगे आपको जाके आगे, ठीक है? वो मंदिर हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा हुआ है, फिर भी चलेंगे एक बार दोबारा से। चलो, वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, चलते हैं अभी। कैसा एक्सपीरियंस लगा तुझे, थोड़ा बताना चाहेगा यहाँ के बारे में? मैंने सुना यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें जिंद की लेबर आई थी, जिंद की लेबर आई थी, और ऑलरेडी यहाँ पे मतलब क्या आई थी, मतलब जो लेबर ने यहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज हुई थी ना वो जिंद थे सारे, जिंद थे, और एक ही रात में बना दिया। ये कहाँ बना था तूने? अभी यही बता रहे लोग, यही बता रहे हैं। इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, वैसे है ना हमें गाइड करना चाहिए। चांद था गाइस, वैसे है ना, हाँ चांद का तो पता है, लेकिन हमें ना गाइड करना चाहिए, लेकिन हम इतने गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है गाइड करने के, इसलिए मांग लेना एक बार। इसलिए जो भी गाइड बातें करता है ना हम उसकी छुप छुप के बातें सुनते हैं, तो इसने इतनी ही बातें सुनी। और क्या बातें सुनी? यहाँ पे जो चलना जा रहा है ना उससे ना पेंट वेंट होगा दिवाली पे। अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है, सारी बातें सुन के बता रहा है, ठीक है। मुझे एक नई बात पता चली कि ये जो बावड़ी बना के तैयार हुई थी जिन्नों के द्वारा बन के तैयार हुई थी, और एक ही दिन में, एक ही रात में, एक ही रात में, मतलब रात को चालू है सुबह तक कंप्लीट। ऐसी यहाँ की मान्यता है भाई, हमने देखा नहीं है तो ठीक है। और ये पता है इस पे तू सीढ़ी पे उतरेगा ना तो वापस भी सीढ़ी बन जा सकता, मतलब सीढ़ी पे मार्क कर दे। अच्छा, और यहाँ से नीचे चला जा तो सीढ़ी पे वापस इसी रास्ते से नहीं आ सकता। अच्छा हाँ, ये तो इस चीज़ को तो मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें ये देखी। हमारे वहाँ पे एक मंदिर है, उसके अंदर है ना 101 महादेव है, कभी भी हम उसको गिनती नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें होती हैं यार, इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है।